हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 के पार्ट 1 में। यहाँ पर भी दो पार्ट्स गिवन है। सो जनरली यहाँ पर अगर हम देखें तो W वही है, बट यहाँ पर क्या है, W में X और Y दोनों आ रहे हैं। सो हम लोग ने इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड देन यहाँ पर हमें जो है चार पॉइंट्स भी दिए गए हैं, तो इनको हम लोग फिर आखिरी में आंसर में पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो जल्दी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो बहुत ज़्यादा डायग्राम्स हम लोग बना चुके हैं, तो हम लोग में पता है कि डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट को किस तरह से हमने डायग्राम में जो है वो पुट करना है एलिमेंट्स को। तो अगर यहाँ पर देखें तो अगर मैं ये डायग्राम बिना बताए भी बना रही हूँ, सो आपको पता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ों के साथ क्या क्या हो रहा है, यानी एक्स एंड वाई आर इनडिपेंडेंट एंड डब्ल्यू एंड जो है जेड है वो क्या होगा, वो हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू होगी। सो नाउ आगे बढ़ते हैं, हमारी अपनी जो डब्ल्यू है उसको आगे बढ़ाते हैं, वो क्या हो जाएगा, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल ऑफ वाई उन्होंने हमसे मांगा गया है। सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इनडिपेंडेंट की, सो एक्स विल बी ज़ीरो, एंड अगर हम लोग y की बात करें नेक्स्ट टर्म की, सो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x² y का, इसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y ले लेंगे, सॉरी x नहीं विद रिस्पेक्ट टू y ले लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² y, एंड साथ में हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, फिर हम लोग z का लेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 3z², ठीक है, एंड आ जाएगा हमारे पास पार्शियल z बाय पार्शियल ऑफ y। अब जनरली हमें क्या फाइंड करना है, पार्शियल z बाय पार्शियल ऑफ y फाइंड करना है, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया। पहले तो मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ था, अब इतना डिटेल से इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि अब ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे लिए पुराने हो गए हैं, ठीक है। सो जल्दी से अब हम लोग फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे हम लोग, पार्शियल z बाय पार्शियल ऑफ जो है हमारे पास y। सो चलिए इसको भी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले इसको ले लेंगे। सो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, z के टर्म से लेंगे, z² हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस x² एंड ये हो जाएगा माइनस y² एंड ये हो जाएगा हमारे पास 6। मतलब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ में इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें, सो पार्शियल हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2z एंड पार्शियल ऑफ z आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, x विल बी 0 एंड y विल बी माइनस 2 ऑफ y एंड 6 विल बी ऑफ कोर्स 0। सो जो 2z है ये नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा, सो ये हमारे पास आगे क्या हो जाएगा, पार्शियल z बाय पार्शियल ऑफ y इक्वल टू माइनस 2 ऑफ y एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ z, 2 एंड 2 विल बी कैंसिल, y और z की वैल्यू डाले, y की वैल्यू 1 है एंड z की वैल्यू माइनस 1 है, सो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 1। सो हमारे पास जो वैल्यू है पार्शियल z बाय पार्शियल ऑफ y की वो क्या आ गई, वो 1 आ गई। सो इसी वैल्यू को हम लोग उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, उस इक्वेशन को मैंने नाम नहीं दिया बिकॉज मैं भूल गई तो जल्दी से आप उसको कोई ना कोई नाम दे दें, कोई स्टार इक्वेशन 1 2 समथिंग एंड जो है यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पार्शियल जो है w बाय पार्शियल ऑफ y विद x जो है हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर में हम लोग पुटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं वो इक्वेशन लिख देती हूँ, अब मैं भूल भी गई हूँ वो इक्वेशन क्या थी, फिर से मुझे ऊपर देखना पड़ेगा, 2x² y प्लस z एंड ये था y माइनस 3z² एंड साथ में पार्शियल z बाय पार्शियल ऑफ y। सो ये थी हमारी इक्वेशन, इसको आप कोई भी स्टार का नाम दे दें एंड ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। अब वैल्यूज़ का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है, वैल्यूज़ कैसे पुट करना है, 4, 2, 1 और माइनस 1। सो यहाँ पर भी आपने कर देना है 4, 2, 1 एंड माइनस ऑफ 1, ठीक है। एंड बस सारी की सारी x और y और z की वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई थी वो भी पुट कर दें। सो यहाँ पर जो है हम लोग के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 आ जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 माइनस 3 एंड z की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 1 है, ठीक है, ये माइनस 1 नहीं है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास एंड ये भी हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, सो आंसर विल बी 5 एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो है आंसर आ गया है पार्ट ए का। नाउ पार्ट बी भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, सो चलिए चलते हैं पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लेनी है या तो आपने वीडियो को पॉज कर देना है, ठीक है। एंड इसकी ये जो चीज़ें हैं हम लोग ये चीज़ें हटा देते हैं। सो नाउ चलते हैं हम लोग अपना सेकंड जो है पार्ट फाइंड करने के लिए। तो पार्ट बी में हमें क्या बोला गया है देखना पड़ेगा,
पार्ट बी में हमें बोला गया है पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल ऑफ वाई, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। मैंने इसमें लगता है इंक डालना भूल गई हूँ मैं। लेट्स ट्राई द ग्रीन वन कि उसमें इंक बची है क्या नहीं पुरानी वाली विद जेड। ठीक है, इसमें थोड़ी सी इंक है इसी से काम चलाएंगे फिलहाल। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दोबारा से सारा लिख लेती हूँ, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल ऑफ वाई अब जेड में। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वैल्यूज ये दोनों हो गई, डिपेंडेंट डब्ल्यू और एक्स हो गया। एंड यहाँ पर जो डायग्राम बनाएंगे हम लोग वाई और जेड के फॉर्म में बनाएंगे। एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई एंड जेड। सो दिस विल बी वाई एंड जेड ऑफ कोर्स, एंड दिस विल बी हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट से। सो नाउ हमारा जो डब्ल्यू है वो आगे बढ़ेगा, किस चीज़ में आगे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा हमारे पास पार्शियल में। तो पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू कर लेंगे तो वही हमारे पास जो है डेरिवेटिव्स आएंगे। बट यहाँ पर जो है चीज़ क्या होगी, यहाँ पर जो अलग चीज़ होगी वो ये होगी कि यहाँ पर हमारे पास जो ज़ीरो होगा वो जेड होगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स और वाई स्क्वायर हो जाएगा। एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एक्स बाई पार्शियल ऑफ वाई, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड। एंड ये जो है हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, जिसके मैंने आपको बताया जो है डब्ल्यू वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। सही है, सो ये हमने कर दिया है, सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आगे जाएंगे क्या करेंगे, जो पार्शियल एक्स बाय पार्शियल ऑफ वाई है उसकी वैल्यू निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसको मैं कोई भी क्वेश्चन का नाम दे दूँगी। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा डब्ल्यू नहीं, यहाँ पर जेड, मैंने गलती से यहाँ पर डब्ल्यू बोला, जेड जो है वो हमारे पास ज़ीरो होगा बिकॉज वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है। मतलब मुझे पता है कि आप लोग पकड़ लेंगे, जो होते हैं अक्सर स्टूडेंट वो अक्सर मुझे नीचे कमेंट में बताते हैं कि मैम आपने ये वाला जो है वो आपने बोला कुछ और लिखा कुछ। तो बोलने में हम लोग इसलिए होते हैं, बोलते तो सही है लेकिन वो हम लेक्चर दे रहे होते हैं तो अक्सर लेक्चर के दौरान बातें करते हुए हम लोग कुछ ना कुछ जो है वो गलत जो है वो नीचे लिख लेते हैं। हालांकि हमने एक्स बोला होता है और मैं लिखूंगी वाई स्क्वायर, मैं बोलूंगी एक्स स्क्वायर और मैंने गलती से वाई स्क्वायर ले लिया होगा। बिकॉज हमारी याद होती है हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ताकि जो बच्चे हों वो कभी भी सोए नहीं क्लास में। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप मेरी वीडियो देख के सो रहे हो ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। जब मैं वीडियो आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से देख रहे हो कि ऐसा ना मैम कुछ ऐसा बोल दे जो हमसे मिस हो जाए। ठीक है, सो चलिए नाउ फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू। सो एक्स को यहाँ पर छोड़ देंगे एंड सारी की वैल्यूज़ हैं वो हम लोग उधर कर देंगे ताकि हम लोग जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ठीक है, सो आगे इस तरह से बढ़ना है कि वैल्यू निकालना, ये हो जाएगा पार्शियल एक्स बाय पार्शियल ऑफ वाई हो जाएगा, ये टू ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड दिस विल बी माइनस टू ऑफ वाई एंड जेड विल बी ज़ीरो एंड कॉन्स्टेंट विल बी ऑलवेज ज़ीरो। सो नाउ ये टू एक्स जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, टू एंड टू कैंसिल, हमारे पास वाई और एक्स जो है वो आ जाएगा। वाई की वैल्यू क्या है, ये है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन, और ये जो एक्स है इसकी वैल्यू टू है। सो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस वन बाय टू। ठीक है, किस चीज़ की वैल्यू, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल ऑफ वाई की। सो ये हो गया पार्शियल एक्स बाय पार्शियल ऑफ वाई। सो ये हमारे पास जो है वैल्यू निकल आई। अब कभी कभी मेरी ऐसी वो होती है, इंटेंशन नहीं होती लेकिन टेढ़ा जो है वो आ जाता है। ठीक है, सो कभी कभी टेढ़ा भी बनता है। तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू, अब इसको हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सो चलिए इसको पुट कर देते हैं उस इक्वेशन में, उस इक्वेशन को आपने नाम दे देना है। तो पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल ऑफ वाई हो जाएगा विथ जेड इक्वल टू, हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई थी, वैल्यूज़ आई थी हमारे पास टू एक्स वाई स्क्वेयर एंड था पार्शियल एक्स बाय पार्शियल ऑफ वाई, प्लस हमारे पास वैल्यू थी टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस जेड। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यूज़ थी। यहाँ पर हमने क्या कर देना है, जो पॉइंट्स है वो भी पुट कर देने हैं। पॉइंट क्या है, पॉइंट है फोर टू वन और माइनस वन, यहाँ पर भी कर देंगे फोर टू वन और माइनस वन। सो इसकी वैल्यू तो हमारे पास निकल आई, दैट इज़ हमारे पास जो भी थी माइनस वन बाई टू। यहाँ पर है हमारे पास टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास टू, और वाई की वैल्यू हमारे पास वन है। एंड ये भी हो जाएगी हमारे पास वैल्यू क्या, माइनस वन बाय टू। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा वन एंड ये हो जाएगा हमारे पास जेड है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ वन। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वैल्यू विल बी यहाँ से भी हमारे पास फाइव आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फाइव है वो भी सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ।
सो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. गए यहाँ पर हम देखें तो हमें बोला गया है कि फाइंड करना है पार्शियल यू बाई पार्शियल ऑफ y. पॉइंट्स दिए गए हैं, x दिया गया है और y दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सो चलिए यहाँ पर मैंने जो है क्वेश्चन लिख दिया है, x हमें मिला है, y हमें मिला है, हमें क्या फाइंड करना है, पार्शियल u बाई पार्शियल ऑफ y. एंड हमें यहाँ पर जो है वो पॉइंट्स मिले गए हैं जिस पर हमने क्या करना है, क्वेश्चन को चेक करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. अगर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखें तो सबसे पहले किस चीज़ को हम लोग छेड़ेंगे, हम सबसे पहले छेड़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है. तो चलिए देखते हैं इससे हमारे पास क्या आता है. अगर हम यहाँ पर देखें y इज इक्वल्स टू ये है हमारे पास u एंड v, तो इसको हम लोग पार्शली करेंगे. सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, y करेंगे पार्शली, तो विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है. तो पार्शली इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू से y को ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एक फंक्शन लेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव एंड फिर दूसरा लेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव. होप के पता हो प्रोडक्ट रूल मैंने बहुत इजीली समझाया हुआ है, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है सो आप जो है स्टार्टिंग वाली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है. सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास, हम लोग पहले बी लेंगे, पार्शियल यू बाय पार्शियल ऑफ वाई ले लेंगे, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास यू एंड पार्शियल वी बाय पार्शियल ऑफ वाई हो जाएगा, सही है. सो यहाँ पर जो है न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली न्यू है ना. हमें सिर्फ ये फाइंड करना था क्वेश्चन में बट अभी हमारे पास ये भी आ गया है. सो हम क्या करेंगे, हमने अब ये वाली वैल्यू को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दिस हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो है आ जाएगा, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं. इसको हम लोग कोई भी इक्वेशन का नाम दे देंगे, जैसे कि मैं स्टार यूज़ करती हूँ, सो आई विल पुट यहाँ पर स्टार. एंड नाउ हम लोग ये वाला जो है इक्वेशन लेंगे. चलिए इसको मैं रेज कर देती हूँ, इसको नोट डाउन कर लें. सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. सबसे पहले इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा. अब हम लोग इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई. अच्छा मैंने काफ़ी टाइम से ये भी नहीं लिखा, मैं नहीं लिखती अब ये, क्योंकि अब मुझे पता है कि आप सबका लेवल जो है वो काफ़ी बड़ा है, हाई लेवल BS का लेवल, जो कोई होगा जो है यहाँ पर मास्टर कर रहा होगा, कोई यहाँ पर MPhil कर रहा होगा मैथ्स में, सो ये हर किसी का कोर्स होता है. सो इतना तो सबको पता ही होगा कि हम लोग क्या क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा, प्लस इसको हम लोग टू यू ले लेंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल यू बाय पार्शियल ऑफ वाई. अच्छा ये यहाँ पर इक्वल है एंड ये हो जाएगा प्लस टू वी एंड ये हो जाएगा पार्शियल वी बाय पार्शियल ऑफ वाई. हमें क्या फाइंड करना था, हमें ये वाली वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी. सो हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू आ गई है. अब हम क्या करेंगे, सारी जो बाकी की वैल्यूज और इक्वालिटी के उस साइड ले जाएंगे. सबसे पहले इसको लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू यू एंड पार्शियल यू वाई पार्शियल ऑफ वाई हो जाएगा. इसको मैं हटा देती हूँ फिलहाल एंड ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू वी एंड पार्शियल वी वाई पार्शियल ऑफ वाई. टू वी का भी कोई काम नहीं है, इसको भी यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव में डाल देते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू यू डिवाइडेड बाई टू वी पार्शियल यू बाय पार्शियल ऑफ वाई इक्वल टू पार्शियल वी बाय पार्शियल ऑफ वाई. टू और टू कैंसिल, हमारे पास जो है वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है. सो अब मैं इस वैल्यू को कैसे लिखूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस यू बाई वी एंड ये हो जाएगा पार्शियल यू बाई पार्शियल ऑफ वाई इक्वल टू पार्शियल वी बाई पार्शियल ऑफ वाई. सो यू विल यूज़ दिस वैल्यू इन द इक्वेशन ऑफ स्टार. सो यू विल यूज़ दिस एज अ डबल स्टार इक्वेशन. नाउ पुट दिस इक्वेशन इन द स्टार इक्वेशन, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वट, वैल्यू ऑफ दिस दैट इज गिवन इन अ क्वेश्चन. सो लेट्स पुट दिस वैल्यू, वी हैव वट, अगेन आई हैव टू सी दैट वन, ये हो जाएगा वन इक्वल टू वी पार्शियल वी बाय पार्शियल ऑफ वाई प्लस यू. एंड अब हम लोग ये वाली वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, सो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस यू बाय वी पार्शियल यू बाय पार्शियल ऑफ वाई. सुना होगा अगर देखें तो जो हमारे पास वी है, सॉरी यू है, ठीक है, सही है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है. ओहो यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन हो गई है. तो शुरू में जो है एक चीज़ को आपने चेंज कर देना है, जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे.
सो जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो वहाँ पर जो है आपने एक चीज़ को है यहाँ पर चेंज कर देना है, मैं बता देती हूँ। जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे मैंने लिखा वन बाय एंड ये था हमारे पास टू यू और ये था हमारे पास पार्शियल वी बाय पार्शियल ऑफ ये हो जाएगा वाई, ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा टू वी एंड ये हो जाएगा पार्शियल यू बाय पार्शियल ऑफ वाई हो जाएगा, सही है। सो ये जो है इसको चेंज कर देना है आपने। अब आप बोलेंगे मैम आपने क्या लिखा था और अब आप क्यों चेंज करवा रही हैं। हम लोग ने यहाँ पर u लिखा था, मैंने गलती से यहाँ पे u लिख दिया था, ठीक है, ये था v, u के साथ v आएगा, ठीक है, एंड v के साथ u आएगा, सही है। सो ये तो जो है थोड़ा सा इसको सही कर दीजिए। सो इसको हमने क्या कर देना है, सी ए एन जी ई चेंज कर देना है, ठीक है, ताकि बाद में क्या हो हमारे पास कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। सो ये हमारे पास u होगा, ये v होगा एंड ये भी u होगा एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास u, ठीक है। सो अब जो है हमारे पास दोनों सेम है, अब हम दोनों को कॉमन ले लेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ है हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर देंगे एंड आंसर विल बी, वी विल गेन द आंसर। तो चलिए इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, ये यू जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो चलिए इसको देख लेते हैं, मैं ये वाला जो है इसको हटा देती हूँ। नाउ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है वी वी रहेगा, अगर इसको देखिए यू यू स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो गया है हमारे पास u स्क्वेयर डिवाइडेड बाय v और साथ में हमने कॉमन क्या ले लिया, पार्शियल u बाय पार्शियल ऑफ y। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, वी विल गेट y v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय v पार्शियल u बाय पार्शियल ऑफ y, यहाँ पर 1 था अगर देखा जाए। सो हमें वैल्यू क्या चाहिए, वैल्यू उस चीज़ की चाहिए, तो ये जो सारी वैल्यूज हैं इक्वलिटी के साइड आ जाएंगी। तो चलिए इसको ले लेते हैं, तो ये जो v है ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एंड ये जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन है ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा। सो हम लोग इसको इस तरह लिख देंगे, पार्शियल u बाय पार्शियल ऑफ y जो है वो हमारे पास आ गया। नाउ हमने क्या करना है, चेक कर देना है एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा, स्क्वायर रूट टू और वन, माइनस नहीं गलती से माइनस बोल दिया। सो हमने अब की वाली जो है वैल्यूज पुट कर देना है इसमें और हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल यू बाय पार्शियल ऑफ वाई एंड यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हम पॉइंट से पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर रूट और वन, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यू है और ये हमारे पास वी है, ठीक है। सो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास वन और ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस वन एंड दैट्स ऑल। ये हो गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। सो अब ये तो है हमारे पास क्या, अच्छा माइनस वन आ गया है। अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पार्शियल यू बाय पार्शियल ऑफ वाई विद क्या एक्स, ठीक है, एंड माइनस वन, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, आपने जिस तरह से प्रेजेंट करना है आपकी मर्जी। तो ये हो गया है हमारे पास आंसर। नाउ नेक्स्ट जो है हम लोग फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।